सरकार आपके द्वार आज देवली पंचायत सचिवालय में हो रहा है जो असफल कार्यक्रम है, यहाँ की उपस्थिति देखने से ही ये साफ स्पष्ट होता है। और असफल होने का कारण ये है कि गत वर्षों में भी जो हुआ था कार्यक्रम, उसमें लोगों का उम्मीद था कि जो है काम होगा, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं, इसलिए लोग बेकार का समय बर्बाद करने के लिए क्यों आएगा। दूसरा सवाल है कि अगर इसी से अगर काम हो रहा है तो फिर आपका अंचल ऑफिस, वीडियो ऑफिस, बिजली ऑफिस, ऐसे जो सरकारी दफ्तर है उसका रहने का मतलब क्या होता है। ये एक सवाल है जो हम माननीय मुख्यमंत्री से हम करना चाह रहे हैं। दूसरी बात है कि हालांकि आपने जब इस तरह का कार्यक्रम जो है कि लगाए हैं तो यहाँ पर अधिकारी की उपस्थिति होनी चाहिए। यहाँ पर जो है कि विभिन्न जो विभाग है वहाँ से कोई पदाधिकारी नहीं, नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। तो देखिए अब जो है कि सीओ यहाँ पर आए हैं और लोगों का सवाल ही जो है कि सीओ के जो है खिलाफ है, तो क्या सीओ जो है अपने ऊपर जो लगा आरोप का जो अपना आवेदन है या जो भी शिकायत है, क्या वो अपना पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे, क्या वो ऊपर भेजेंगे? मेरा कहना है कि इसमें जिला स्तर का कम से कम कोई अधिकारी को यहाँ पर भेजना चाहिए। तो आपने जांच किया नहीं है, चूंकि नोडल तो प्रतिनियुक्त किए गए हैं। नहीं, एकदम जो है कि ऊपर से कोई नहीं है और नीचे का भी जो विभिन्न जो दफ्तर है वहाँ से कोई नहीं है। जनता जो है कि यहाँ पर अपना सवाल पर जो है अधिकारी को ढूंढते नजर आए कि भाई कहाँ है कि हम उनको देंगे। तीसरी जो बात है कि से कुछ जो आवेदन दे रहे हैं तो उसका रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है। हमको तो ऐसा लगता है कि रिसीविंग इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि मान लीजिए अगर आवेदन हकीकत में 20 आया तो उसको बाद में 2000 करके जो है कि सफल कार्यक्रम बताया जा सके, तो इससे जो है कि सरजमीनी पर तो काम नहीं होता है। इसलिए सुबल दास जो है कि सच्चाई बात जो है डंके की चोट में कहता है, चाहे किसी को भाई तकलीफ लगे तो लगे। राशन और पेंशन दो चीज पर आप बात करें, राशन और पेंशन है उस पर भी हम बात आएंगे। अभी हमने जो है कि एक सवाल उठाया, ये देखिए बिरसा मुंडा उलगुलान समिति का, चूंकि हम अध्यक्ष हैं और रिंचू टाण में जो सरकारी जमीन पर पिछले दिनों जो भू माफियाओं के द्वारा कब्जा करने का प्रयास रहा है, और आपके सम्मानित इस लोकप्रिय चैनल ने भी इस सवाल को बहुत ही प्रमुखता के साथ उठाया था, पब्लिक के सामने दिखाया था, चूंकि उस पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जो सीओ को आवेदन दिया था, डीसी को दिया था, उस पर कुछ नहीं कर रहे। तो इसके लिए आपकी समिति जाके मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिले? अभी जो है कि चूंकि ये मुख्यमंत्री के आदेश से ये जो है कि डायरेक्ट ये मतलब कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार, तो हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ में ये आवेदन हमने दिया है कि भाई वहाँ पर जो 5 एकड़ सरकारी जमीन है 98 खाते की, मोजा 198 देवली का है, जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा पिछले 15-20 वर्षों से जो है कि बना हुआ है, वहाँ पर पावर हाउस जो है बना हुआ है, सरकारी मद से जो है कि वहाँ पर विवाह मंडप जो है बना हुआ है, शिव पार्वती का मंदिर बना हुआ है, किसी ने कभी रोका या नहीं जब बन रहा था उस समय अलग अलग समय पर। और आज जो है कि चूंकि ज़मीन का कीमत बढ़ गया है, वो जीटी रोड के सामने में है, 4 एकड़ 95 डिसमिल है, उस जमीन पर जो है गोयल परिवार जो है कि उस पर अपना दावा कर रहा है, बाप बेटा के नाम से जो है कि ऑनलाइन पंजी 2 जो है दिख रहा है, उसके आधार पर जो है वो कह रहा है कि हमारा है। हम लोग का मांग है कि ये गलत तरीके से जो ये सरकारी ज़मीन किन्हीं के नाम से जो दिख रहा है उसका नाम को वहाँ से हटाया जाए और जनहित में वो सरकारी ज़मीन जो है बचाया जाए। जब सरकारी अधिकारी बात नहीं मान रहे तो आपकी टीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही है? अब जो है कि मजबूरन जो है कि इस पर हम लोग जाएंगे और जो है कि इस पर अब हम लोग आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि अब जो है कि इंतजार का भी एक सब्र होता है, अब जो है कि ये छोड़ के उपाय जो है नहीं। लेकिन अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से भी अगर नहीं होता है तो मतलब ये जो जिस तरह का सरकार का है, सरकार आपके द्वार से कार्यक्रम का कोई माने मतलब नहीं रहता है। आप राशन और पेंशन पर बोले थे कि बताएंगे, ये बताएं, चूंकि सरकार कह रही है कि राशन और पेंशन पर 100% काम हो रहा है, आपके नज़र में कुछ ऐसा है जिसका काम नहीं हो रहा है? देखिए सरकार का जो खाली है ना कि पेन पेपर में काम हो रहा है, ये भी जो है सरकार भाजपा की सरकार की ही तरह जो है साबित हुई है, जो है कि केवल पेन पेपर पर मुंह पर जो है सारा कुछ, धर जमीन पर से कुछ नहीं से काम हो रहा है। अभी बड़े पैमाने पर लोगों का
जो है कि बीपीएल सूची में नाम छूटा हुआ है, बड़े पैमाने पर लोगों को जो है कि राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। राशन कार्ड तो बोल रहे हैं हर समय बना रहे, ऑनलाइन बना रहे। अभी आप देखिएगा विभिन्न तरह का नाम पर जो है सरकारी आवास का योजना आ रहा है, लेकिन सिस्टम तो वही है। आप जो है कि सरकार आपके द्वार लाख प्रोग्राम कर लीजिए, लेकिन व्यवस्था तो वही है, तो आखिर कैसे काम होगा? व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, पब्लिक को भी जो है इस पर सोचना होगा, तभी जाके हमको लगता है कि इस पर काम हो पाएगा।